हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाम एकेडमी। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 इज इरेशनल। To prove that root 5 is irrational, ऐसे ही similarly आप root 2 is irrational, root 3 is irrational भी prove कर सकते हैं। In fact कोई भी prime number हो और उसका square root जो है irrational होता है, अगर ऐसा आपको prove करने के लिए बोला तो technique आपको same follow करना है। चलिए इसका proof start करते हैं। तो proof क्या करना friends हमें कि root 5 is irrational। तो इसका ऑपोजिट यानी कि इसका कॉन्ट्रारी क्या हो जाएगा, इसका कॉन्ट्रारी हो जाएगा कि रूट फाइव इज रेशनल। हम लोग सबसे पहले क्या कर देते हैं, ऑन डी कॉन्ट्रारी एज्यूम दैट रूट फाइव इज रेशनल। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि कोई भी नंबर जब रेशनल नंबर होता है तो उसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर कि p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट फाइव इज इक्वल टू p अपॉन q, ब्रैकेट इधर लिख दीजिए आप ब्रैकेट में, वे p एंड q आर इंटीजर्स and q is not equal to 0। आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर हो, तो उस कॉमन फैक्टर को हम लोग सबसे पहले हटा देते हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर को हटाने के बाद p by q को हम लोग बदल सकते हैं a by b में। तो आफ्टर कैंसलिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स इन पी एंड क्यू वी हैव, तो व्हाट वी हैव, तो वी हैव रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाई बी। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ए और बी दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर अब नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉमन फैक्टर को कट कर चुके हैं, कैंसिल कर चुके हैं। तो नाउ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसको रूट फाइव बी इज इक्वल टू ए, रूट फाइव बी इज इक्वल टू ए। फ्रेंड्स हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we have, तो what we have अब root 5 का square हो जाएगा 5, b का square हो जाएगा b square और a का square हो जाएगा a square, तो 5b square is equal to a square। इधर देखिए friends, इधर 5 एक prime number है और 5 into b square आ रहा है a square, इसका मतलब है कि 5 जो है वो a square को divide करेगा, implies 5 divides a square। तो फ्रेंड्स हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा है कि अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स a, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब 5 a को डिवाइड करेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5 c, a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5c। इस इक्वेशन को फॉर एग्जांपल हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दें, तो हम लोग क्या करते हैं a इज इक्वल टू 5c का जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। नाउ पुटिंग a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1 we have,
So what we have? इधर 5b square और right side में a square, a का जगह पर 5c, तो 5c का whole square यानी कि 25c square, 5 से 25 को cancel कर दे तो यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ हो गया आपका b square is equal to 5c square. अब फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि b square is equal to आ गया 5c square, इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो b square को divide कर रहा होगा, implies that 5 divides b square. फिर से जो theorem 1.3 हम लोग पढ़े उसके से हमें पता चल जाएगा कि 5 अगर b square को divide कर रहा है तो इसका मतलब 5 b को भी divide करेगा, implies that 5 divides b. और फ्रेंड्स आप इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, दोनों से आपको पता चलेगा कि यहां से आपको पता चलेगा 5 divides a और यहां से आपको पता चल रहा है 5 divides b, इसका मतलब 5 divides both a and b, इसका मतलब 5 is a common factor in a and b. लेकिन फ्रेंड्स हम लोगों ने p और q से सारे कॉमन फैक्टर्स को हटा दिए थे, तो रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b जो हमारे पास आया था इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 5 a और b में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो बेसिकली एक कॉन्ट्रेडी अराइज हो रहा है. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रेडी अराइज हो रहा है हमारे फॉल्स एजम्पशन के कारण कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है. तो हम लोग यहां लिखते हैं फ्रेंड्स, this is a contrary to the fact that a and b have no any common फैक्टर. तो अब हम लोग जान चुके हैं कि ये a और b में जो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, तो उसके बदले a और b में 5 एज ए कॉमन फैक्टर हमें मिल चुका है. तो इस कॉन्ट्रेरी का कारण है द कॉन्ट्रेरी अराइजेज due to our wrong assumption that root 5 is a rational number. तो ये contrary arise होने का कारण ये है कि हमारा जो assumption था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है वो एक रॉन्ग एजम्पशन था. तो जब रूट 5 का रैशनल नंबर होना एक रॉन्ग एजम्पशन है, इसका मतलब रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूट 5 को कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है. सिमिलर तरीके से हम रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, किसी भी एक प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम सेम टेक्निक को फॉलो करेंगे. बिल्कुल सारे स्टेप, सारा लैंग्वेज सब कुछ सेम रहेगा, बस रूट 5 की जगह रूट 2 होते जाएगा. ठीक है, इस तरह से 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर की जगह 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 divides a हो जाएगा, a is equal to 2c हो जाएगा. तो इस तरीके से आप एक को समझ लीजिए तो बाकी को आप प्रूफ कर सकते हैं.